हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डेंजरस हाउस। तो चलो चलते हैं, आ जाओ। बड़ा स्पूकी सा लग रहा है। यहाँ क्या लिख के रखा है? आओ ना ऊपर। ईद मुबारक सबको। ऐसा लग रहा है कल ही किसी ने ईद मुबारक लिखा है, क्योंकि ऐसा लग बहुत फ्रेश सा है। एंड यहाँ किसी ने सबको सब जो है ना उसको मिटा के रखा है। सब्सक्राइब सब मीन सब्सक्राइब करो अभी जल्दी जल्दी। तो चलो हम खोलते हैं। खुला नहीं है, ऐसा लगा कोई बैठा है। फाइनली चलो पहले। हाँ तो हम आए हैं, काफी अजीब सी वाइब आ रही है। हम आए हैं इस गाइस, यहाँ गेट खुला था और मैं ऐसा सोची यहाँ कोई है। अब अंदर पूरी यहाँ बुक्स, गाइस बहुत गंदी वाइब आ रही है। पूरी देखो यहाँ बुक्स पूरे। यहाँ किसी ने लगाया है अगर कोई बच्ची का घर था और उसने पूरा से कलर कर रखा है। एंड डायरी मिली है, ब्लैक पेन की है, पता लगता है कल किसी ने। चलो पढ़ते हैं। हाय माय नेम इज प्रिया, आई लाइक टू डू ड्राइंग, आई आल्सो लाइक टू डू फ्रेंडशिप, आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, आई लाइक 90s स्टोरीज, आई लाइक टू नो अबाउट हिस्ट्री, आई आल्सो लाइक टू वेयर न्यू टाइप ऑफ कुर्ताज। और भी है। चलो एक क्लू मिला है, ऐसा लग रहा है फैस्मोफोबिया खेल रहे हैं। इस क्लू को हम पढ़ेंगे बाद में एक शॉर्ट वीडियो में। सो अभी हम गाइस एक चीज़ मिल रही है, ये देखो यहाँ टेंट में ऐसा लग रहा है बैठा है। ऐसा लाल कलर का अंदर है, एकदम सब कुछ लाल है। तो ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को मारा है। तो दैट इज ऑल फाइन, जल्दी आओ कैमरा दो। देखो गाइस यहाँ पर ये पूरी ऐसे फोटोज लगी हुई है। ऐसा लग रहा है किसी भूत ने किसी को मार के उसकी फोटोज वगैरह लगा दी हो। एकदम ऐसा फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो आ जाओ नेक्स्ट रूम को एक्सप्लोर करते हैं। उस रूम की भी लाइट चालू है। काफी गुड़िया हर जगह एकदम लाइट आ रही है, बट यहाँ बहुत हॉन्टेड है। ऐसे मेरा जान गया तो पंखा भी चालू है। देखो वहाँ पर ऐसे टूटा हुआ भी है एकदम। और आप चलो कैमरा मैन, आपकी तो फैक्ट्री है तो मैं ही ले जाती हूँ दोस्तों को वहाँ पे। गाइस यहाँ देखो फोटो वगैरह ये सब क्या है यार? ये ऐसा लग रहा है किसी भूत ने उसको काट के रखा है। एकदम बहुत ऐसा लग रहा है किसी टांग है। एकदम अजीब सा फीलिंग आ रही है, हॉन्टेड है एकदम। और ये देखो जाले वाले वगैरह सब है यहाँ पे। अरे कैमरा मैन कहाँ गया मेरा? एकदम स्पूकी सा घर है ये एकदम। एंड बहुत स्पूकी है। उस घर में से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, भागो भागो। सो इस घर में बोलते हैं कि बैकयार्ड में जाना चाहिए। सो चलो गाइस बैकयार्ड में चलते हैं। ये क्या है? अरे कौन सा प्राणी है जिसने यहाँ स्पूकी से डेंजरस से घर में आके पोस्टर लगाया है? अब यार नहीं जा सकते, दूसरा रास्ता करना पड़ेगा। ओके तो
डायरी में देखते हैं कुछ क्लू मिल जाए। यहाँ पर एक चीज है, उसमें लिखा हुआ है माय होम स्ट्रक्चर। बैकयार्ड में जाने का रास्ता मिल गया मेरे को। बैकयार्ड में जाने का रास्ता है वो जिस स्पूकी से रूम से हम आए थे उसको लिख के रखी है लॉन्ड्री। सो लेट्स गो टू लॉन्ड्री। कम लेट्स गो टू लॉन्ड्री। बुक्स यहाँ पर भी थी, ऐसा लग रहा स्पूक से बुक्स पड़ी है यहाँ। गाइस यहाँ पर बहुत गंदी गंदी आवाज आ रही है। आ लेकिन थारी बहन जोगिंदर से कम है कि स्ट्रक्चर में किसने ये गेट को बता के रखा है। इस गेट यार नहीं खुल रहा है।